आज पानीपत के एचडीपीजी कॉलेज में एनएसएस कैंप का दूसरा दिन रहा, जिसमें विद्यार्थियों को एनएसएस कैंप के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। बता दें कि एचडीपीजी कॉलेज में एनएसएस कैंप का आज दूसरा दिन रहा, जिसमें विद्यार्थियों को नशे के बारे में जागरूक किया गया कि किस प्रकार से नशा जीवन को खोखला कर देता है और नशा यदि करते हैं तो वो किस प्रकार जीवन को बर्बाद कर देता है। इन तमाम विषयों पर विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। इसी के साथ साथ साइबर क्राइम के बारे में भी विद्यार्थियों को बताया गया कि किस प्रकार से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से साइबर क्राइम के आप शिकार होते हैं और इन साइबर क्राइमों से किस प्रकार आप बच सकते हैं। बता दें कि इसके बाद विद्यार्थियों को कॉलेज प्रांगण में शपथ भी दिलाई गई, नशे के प्रति इन्हें शपथ दिलाई गई और बताया गया कि आप नशे में एक समाज के में एक संदेश दे ताकि समाज इस नशे के प्रति जागरूक हो सके, नशे से बच सके। क्या कुछ बताया गया आज इस एनएसएस कैंप के दूसरे दिन विद्यार्थियों को नशे के प्रति और साइबर क्राइम के प्रति, वो आप खुद सुनिए। हमारे एसजी कॉलेज में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कैंप चल रहा है 7 दिन का एनएसएस यूनिट का। इसमें हम बच्चों को समाज सेवा से संबंधित चीज़ें सिखाते हैं। आज जैसे दूसरा दिन है हमारा, तो कल हमारा शुभारंभ हुआ और रात तक बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज़ और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी के बारे में जागरूक किया गया। आज सुबह इनको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर अशोक वर्मा जी आए हैं। उन्होंने बताया कि नशा किस तरह समाज को खोखला कर रहा है और हमारा युवा वर्ग उससे हमारे देश को बचाने में क्या भूमिका निभा सकता है। दूसरा, जो साइबर क्राइम्स बहुत चल रहे हैं कि आपके पास एक नंबर आता है, आप ओटीपी देते हैं और आपका खाता खाली हो जाता है, इसके लिए लोगों को जागरूक किया है हमारे रोशन लाल सचदेवा जी ने। आप PNB के पूर्व मैनेजर हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया कि अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं भी देने से पहले उनको क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे वो अपने पैसों को, अपनी कमाई को सेफ रख सकते हैं और अच्छा जीवन जीने के लिए अपने कमाए हुए पैसों को अच्छे से लगाना और उन्हें ठगों से बचाना ये कैसे संभव हो सकता है। कुल मिलाकर जो हमारे बच्चे हैं वो सीख रहे हैं कि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं। यही इसका कैंप का ध्येय।